So hey guys, what's up everybody? This is Vapidi back with the another vlog. So let's start. So welcome back to my channel, guys. Pratik Dhavde, hope सभी आप अच्छे होंगे. मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो. और first of all, guys, happy Navratri to all of you. अपनी माँ के दिन चालू हो गए अभी. पूरे 9 days और कुछ भी नॉन वेज वगैरह मत खाइए गाइज. मैंने कल एक व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड किया था, वो मेरा लास्ट पीस था. अभी मैं 10 तक तो कुछ भी अवॉइड करूँगा, तो आप भी करिए गाइज. तो मैं आज का व्लॉग इसके लिए बना रहा था गाइज कि लोगों ने और बहुत फ्रेंड्स ने मुझे पूछा गाइज कि इतने दिन से व्लॉग क्यों अपलोड नहीं करा गाइज. मेरे पास में सीरियसली कुछ भी उसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था. और उसके बाद में बावजूद गाइज मैं आज भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ गाइज कि मैं आपको कितने कमेंट करूँ कि मैं रोज का अपलोड करूँगा, नहीं करूँगा, एक दिन के बाद करूँगा, दो दिन के बाद करूँगा. बट गाइज एटलीस्ट 1 week में एटलीस्ट 3 vlogs तो मैं डालने की कोशिश करूँगा. अभी मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे आप फिर से बोलेंगे. तो वही गाइस कि अभी देखो, जैसे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था, तो मैं उसके ऊपर मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे अभी कुछ दिन पहले. और उसके बाद में मैंने सोचा गाइस कि अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग्स रहेंगे वो मेरे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड जो भी रहेगा वो प्लेलिस्ट में मैं ब्लॉग डालूंगा. और मेरा डेली जो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है वो तो कंटिन्यू करूंगा ही गाइस. तो मेरे चैनल पे जो भी अभी ब्लॉग्स आएंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एंड माय लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग. तभी ख्याल आया था गाइस कि मैं और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाऊँ जो कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो. बट गाइस अभी उसके लिए फिर इनिशियल से मुझे लेना पड़ेगा गाइस सबको, और दो दो अकाउंट. पहले एक अकाउंट में मैं वीडियोस अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, दो अकाउंट कैसे चलाऊँ. तो वही सोच रहा था गाइस कि इसकी वजह से मैं बाद में जो भी ब्लॉग्स अपलोड करूँगा वो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड होंगे, आपकी हेयर केयर से रिलेटेड होंगे. उसके साथ साथ गाइस मैं अपनी डेली व्लॉगिंग भी अपलोड करूँगा. डेली व्लॉगिंग की सीरीज गाइस एटलीस्ट मैं गाइस 1 week में 3 vlog तो शूट करने वाला हूँ अभी इसके बाद में. और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कमिट नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी मैं उसको रेगुलर कर पाऊँगा या नहीं. तो गाइस बस आज मैं इतना ही बताना चाहता था. मुझे बताइए आप कैसे हैं, बहुत दिन के बाद अपन मिल रहे हैं, बहुत दिन के बाद में आपसे बात कर रहा हूँ मैं गाइस. तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपको सीरियसली रिप्लाई दूंगा. और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाइए गाइज. मेरी पूरी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की सब लिंक्स गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. मैं एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ गाइज, और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा. आपकी कुछ भी दिक्कत होंगी गाइज हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से या कोई भी गाइज, तो मुझे आप DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा. और उसके साथ साथ गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद में गाइज जो भी मैं व्लॉगिंग करूंगा, लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग करूंगा, जो भी कुछ करूंगा, तो उसके लिए गाइज अभी जो बिग बिलियन डेज चालू है Amazon पे, Flipkart पे, तो गाइज मैं सोच रहा था कि मेरा साउंड क्वालिटी कैसा, अभी जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आपको साउंड प्रॉपर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. नहीं तो गाइज अभी बिग बिलियन डेज में मुझे बोया का MM1 माइक लेने का सोच रहा था गाइज. बट गाइज 1700 का समथिंग है, तो मैं सोच रहा था गाइज कि इसमें इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ. अगर मेरा वॉइस आपको प्रॉपर आ रहा होगा तो गाइज उसमें इन्वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत है नहीं. और उसके साथ साथ गाइज लाइट वगैरह तो मुझे लगता है कि बहुत सही है. तो मुझे प्लीज़ गाइज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो मेरे गेयर्स हैं, अभी तो मेरे पास में गेयर सिर्फ एक छोटा ट्राइपॉड है और एक मेरा G7X Mark III कैम है. और मैं जो भी ब्लॉग शूट्स करता हूँ गाइज, तो मैं उसको तो गाइज Filmora 9 पे ही एडिट करता हूँ और उसके बाद में अपलोड करता हूँ. तो बस गाइज मुझे इतना बताइए कि मैं बोया का MM1 माइक लूँ या नहीं लूँ, मुझे ज़रूरत है या नहीं है. क्योंकि गाइज मैं खुद के ब्लॉग देखता हूँ तो खुद का बहुत टाइम खुद को समझता नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. और उसके साथ साथ गाइज आप बहुत ज़्यादा, मैं आपको सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था गाइज. मैं सोच रहा था कि मैं कब ब्लॉग डालूँ और कब आपके साथ में शेयर करूँ और कब आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, आपके लाइक्स का इंतज़ार करूँ.
मेरे चैनल सब्सक्राइब करने की राह देखूं। तो गाइस अगर अभी तक आपने को मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गाइस प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फुल्ली एंटरटेन करने की पूरी गारंटी देता हूँ गाइस, मैं कभी आपको बोर नहीं करूँगा, आपके साथ में हमेशा मैं रहूँगा, आपके साथ में बातें करूँगा, मेरे डेली ब्लॉगिंग शूट करूँगा, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, उसके साथ साथ में हेयर ट्रांसप्लांट से भी रिलेटेड आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा गाइस, जिनको मेरे को लगता है गाइस कि बहुत लोग अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं, जिनके बाल जा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है बाल की, क्योंकि गाइस बाल जो है एक मेन के जो बाल रहते हैं गाइस उससे उनकी एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा टेन रहता है। अगर उसके बाल चले गए तो उसको ऑब्वियस है गाइस 25 साल में अगर दिखा दे के पूरे गंजा सिक्स बाल्डनेस होगा तो उसको तो गाइस 25 साल का कोई समझ ही नहीं सकता, उसको समझेगा 35 या 40 साल का। तो गाइस यही है बात गाइस कि आपको कुछ भी दिक्कत होंगी तो मुझे पूछ सकते गाइस और हमेशा मदद करूँगा जैसे कि आज तक के करते आ रहा हूँ। और सो गाइज बस इतना ही बोलना चाहता था मैं गाइज। और एक मुझे परसों के दिन एक इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आया गाइज एक बंदे का कि आप मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए गाइज। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देने में कुछ दिक्कत नहीं है गाइज, बट मुझे ऐसा लगता है गाइज अगर मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, अगर मैं आपके फोन रिसीव नहीं कर पाया, आपके साथ में बातें नहीं कर पाया गाइज, तो आपको ही कहीं तो भी कुछ गलत लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा था गाइज कि आप डीएम करो मुझे जब भी टाइम मिलेगा, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड के साथ में भी बात कर सकता हूँ, खाली मैं नंबर देना नहीं चाहता गाइज क्योंकि मुझे नहीं लगता गाइज कि आप अपसेट हो मेरे वजह से, तो इसलिए मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, आप खाली डीएम करो, कभी भी डीएम करो गाइज, मैं एनी टाइम गाइज आपको रिप्लाई दूंगा, सीरियसली आई प्रोमिस यू। एंड आज का व्लॉग बस यही खत्म करते हैं गाइज, कभी अच्छे रहो, कोविड अभी तक गया नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज मास्क पहनना, हाथ धोना सब याद में रखो गाइज, लोग बहुत ज़्यादा अभी बेफिक्र है, कहीं भी घूम रहे हैं विदाउट मास्क एंड ऑल गाइज, बट कोविड अभी तक गया नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, होप यू विल लाइक दिस व्लॉग, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड एज वेल एज कमेंट ऑन इट। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइज, लव यू ऑल सो मच गाइज।